लेकिन मेरा अपराध क्या है? ऐसे अपवित्र स्थान पर पूजा कर रहे हो। इस कार्य के पश्चात तुम ये जानोगे कि जीवन के इस पार क्या है और जीवन के उस पार क्या है। मारुति, क्या तुम ये कार्य करोगी? जी गुरुदेव, अवश्य करूंगा। ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो रहा है। हमें तो कोई युक्ति सूझ ही नहीं रही। हम करें तो क्या करें? हमने कितनी ही बार अपने पितरों को भोजन देने का प्रयास किया, परंतु हमारा हर प्रयास विफल रहा। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। प्रत्येक बार विफलता ही हाथ आई है। पता नहीं पितृ पूजा से पहले पितरों का सारा भोजन कौन ले जाता है। मैं जानता हूँ। जी प्रणाम, आप कौन हैं? मैं पवन पुत्र मारुति, सूर्य देव का शिष्य। मैं यहाँ अपने गुरु के आदेश पर आपकी तथा आपके पितरों की सहायता करने आया हूँ। आप हमारे पितरों को कैसे जानते हैं? क्या आप उनसे मिले हैं? क्या हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं? नहीं, वे आपसे रुष्ट नहीं हैं, किंतु निराश, दुखी, विचलित अवश्य हैं। कारण? वही भोजन। उन्हें लंबे समय से ना ही तो कोई पूजा मिली है और ना ही भोजन। हम अभी तक नहीं जान पाए कि वो भोजन ले कौन जाता है। वो सारा भोजन प्रेत योनि के प्रेत ले जाते हैं। प्रेत योनि के लोग? हाँ, भूत, प्रेत, पिशाच। तो क्या? हाँ, आपके पितरों का अर्पित भोजन वो खाते हैं। क्या इस समस्या से उबरने का कोई मार्ग भी है या? है ना महाराज, सत्य तो ये है, मैं ये सब रोकने हेतु ही यहाँ आया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बार आप अपने पितरों को जो भी अर्पित करेंगे उसे वो भूत प्रेत नहीं ले जा पाएंगे। आप निश्चिंत होकर पितृ पूजा की तैयारियां करें। यजमानों, पितृ पूजन संपन्न हुआ। अब आप अपने पितरों का स्मरण करें और उनका नाम लेते लेते इस भोजन को जल में प्रवाहित करें। प्रवाहित किया हुआ भोजन आपके पितरों को प्राप्त होगा।
पितरों का भोजन हम वर्षों से खाते आए हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं रोका। तथा सुनो, पितरों का भोजन खाने का अधिकार केवल हमें ही है। राजन, आप चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, मैं बहुत शीघ्र आपकी समस्या हल कर दूंगा। हमें तो ये प्रेत कभी दिखे नहीं, परंतु इस बालक ने देख लिया। वानर बालक, तुम यहाँ भी आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि उनका भोजन वापस लौटा दो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तुम क्या सोचते हो, उड़कर यहाँ आ गए हो तो हमारा सामना भी कर लोगे? वानर बालक, संपूर्ण पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो हमारा सामना कर सके। हम पिशाच हैं, पिशाच। तो तुम में शक्ति भी है, परंतु अब कोई शक्ति बचा नहीं सकती। वानर बालक, हम नहीं जानते तुम कौन हो, किस लोक से आए हो, तुम जो भी हो हमें मत मारो। प्रेतो, पिशाचो, जाओ अपने लोग वापस लौट जाओ और वहीं निवास करो। अब कभी भी पृथ्वी लोक में वापस मत आना, अन्यथा मेरी गदा मेरे साथ रहेगी, तुम लोगों के हेतु। चलो वापस जाओ। तुम लोगों की
ये हालत कैसे हुई? प्रेतराज, हम भोजन लेकर लौट ही रहे थे कि एक वानर बालक ने हमारा मार्ग रोक लिया। उसने हमें मार मार कर हमारी दुर्गति भी की तथा हमारा भोजन भी छीन लिया। अच्छा, उसकी ये हिम्मत! एक बालक, उस पर भी वानर बालक, उसका इतना दुस्साहस! और इतना ही नहीं प्रेतराज, उसने हमें पुनः पृथ्वी लोक पर नहीं दिखने की चेतावनी भी दी है। अच्छा, चेतावनी? कौन है ये वानर बालक? राजन, आज सबके समस्त संकट समाप्त हो गए हैं। अब आप निश्चिंत होकर पितरों को भोजन दे सकते हैं। सत्य? हाँ राजन, अब वे प्रेत आपके भोजन छीनने का साहस कदापि नहीं करेंगे तथा आप लोग के द्वारा अर्पित किया हुआ भोजन सीधा पितरों के पास ही पहुँचेगा। अर्थात हमारे पितर तृप्त हो सकेंगे? अवश्य राजन, मैंने प्रेतों को चेतावनी दी है, अब वो भूल से भी पृथ्वी लोक में आने का साहस नहीं करेंगे। ब्रह्मा राक्षस प्रेतराज, वो बानर बालक केवल दिखने में बालक है परंतु वो अत्यंत बलशाली एवं निर्भय है। हाँ प्रेतराज, हमने उसे भयभीत करने का बहुत प्रयत्न किया परंतु भय तो मानो उससे भयभीत होकर भाग गया था। उसके एक एक गदा की वार में मानो 100-100 सिंहों के पंजों की मार की शक्ति थी। बंद करो! बंद करो उसकी प्रशंसा की चौपाई। इसका अर्थ ये हुआ, उस वानर बालक तथा राजा सत्यव्रत को पाठ पढ़ाना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। अब अन्यथा पृथ्वी लोक के प्राणी हमसे भयभीत होना बंद कर देंगे, हमारे भय का साम्राज्य समाप्त न हो। हमें अति शीघ्र कुछ करना होगा। करकट मरकट! हे पवन पुत्र हनुमान, मैं हृदय से आपका कृतार्थ हूँ। आपने हमारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिला दी। किसने फेंका इस विशालकाय पत्थर को महाराज की ओर? किसने ये आत्मघाती आक्रमण किया महाराज पर? कौन हो सकता है वो दुस्साहसी? हमने फेंका है तुम्हारे महाराज पर ये पत्थर। मैं मरकट और मैं करकट। Yeah!
विशाल भगवान महिमा अनंत जको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिनी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को ना समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाये वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। हमें छोड़ दो हमें दुष्ट वानर। हे वानर बालक, हम पर कृपा करो, हमें छोड़ दो। हाँ, हम पे कृपा करो वानर बालक, हमें छोड़ दो। वानर बालक, हम पर कृपा करो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम पर कृपा करो, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान कि हमारी समस्याओं का समाधान भी तुम ही कर सकते हो, अन्य कोई नहीं। तुम ही हमारे संकट मोचन हो। अब हमें अपने वंशजों द्वारा भोजन प्राप्त हो सकेगा। अब हम तृप्त हो सकेंगे अपने वंशजों के द्वारा। भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे जब भी हम महावीर हनुमान का नाम लेंगे। नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे भोजन के साथ आते ही होंगे। ये क्या देख रहा हूं मैं? मेरे शूरवीरों, किसने की तुम्हारी ये दुर्गति? किसने की? मैंने। मैंने की है तुम्हारे शूरवीरों की दुर्दशा। कौन हो तुम दुष्ट? कौन हो? अनाधिकार एवं अनीतिगत कृत्य करने वालों का शत्रु। तुम्हारे प्रेतों को मैंने पहले ही चेतावनी दे डाली थी। पृथ्वी पर जाकर पितृदेवों का भोजन ग्रहण नहीं करें। ये भोजन हम वर्षों से ग्रहण करते आ रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। उसे ग्रहण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। समझे? हमारी शक्तियों का ज्ञान नहीं है तुम्हें, वानर बालक? तुम अपने कर्मों के कारण नरक की अग्नि में जल रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे दुख हो रहा है। तुम क्यों नहीं अपने ज्ञान का उपयोग अपने तथा अपने भूत प्रेतों की मुक्ति के लिए करते हो? तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रेत योनि से मुक्ति का मार्ग सदैव के लिए बंद हो जाए? मैं पवन पुत्र तथा सूर्य देव का शिष्य हनुमान तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूँ कि आज के बाद यदि तुमने अथवा तुम्हारे प्रेतों ने अथवा तुम्हारे पिशाचों ने पितृदेव का भोजन ग्रहण करने में अगर बाधा उत्पन्न की तो तुम सबकी यही दुर्दशा होगी। नारायण नारायण। पितृदेवों,
ये आज मैं क्या देख रहा हूँ आप सबके मुख पे ये प्रसन्नता? क्या कारण है आपकी इस प्रसन्नता का? हे देवर्षि, आप तो हमारी समस्याओं से अवगत हैं। किस प्रकार प्रेत योनि के लोग हमसे हमारा भोजन छीन ले जाते थे और हम अतृप्त रह जाते थे। अब भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे जब भी हम महावीर हनुमान का नाम लेंगे। हाँ पितृदेव, आपके सम्मुख ये एक जटिल समस्या है। देवऋषि, अब वो समस्या है नहीं, वो समस्या थी। थी? क्या अब समस्या नहीं रही? हाँ देवऋषि, सूर्यदेव के कहने पर पवन पुत्र हनुमान ने हमारी समस्या का निवारण कर दिया। नारायण नारायण। मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार कभी हो भी नहीं सकता। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बताऊंगा तुम्हें राजा, मैं बताऊंगा। प्रेत लोक के प्रेतों, भूतों, पिशाचों, डाकनियों, पिशाचनियों, डाकनियों, मैं प्रेतराज ब्रह्म राक्षस तुम सबका आवाहन करता हूँ। आओ मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। आज आपने हमारा किस हेतु आह्वान किया है? हे प्रेतों, पिशाचों, भूतों, आज पृथ्वी लोक पर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पितरों के जिस भोजन पर वर्षों से हमारा अधिकार था, अब वो हमसे छिनने लगा है। अतएव हमें अपने उस अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु धरती वासियों की दुर्दशा करनी होगी। उन्हें अपने भय एवं आतंक का पाठ पढ़ा दो। हम क्या हैं? उन्हें बताओ। जाओ पृथ्वी लोक पर भय एवं विनाश का तांडव मचा दो। जाओ। हम समझ गए प्रेतराज, हमें वहां जाकर क्या करना है। Oh,
कौन है जो कायरों के भांति हमारे राज्य पर छुप कर हमला कर रहा है? साहस है तो सामने आओ, काम लाओ। देख लिया राजा, प्रेतों से उलझने का परिणाम। एक साधारण वानर बालक से हमें चुनौती दिलाते हो, हमें उस तुच्छ बालक का ये दुस्साहस कि वो हमें चुनौती दे, वो भी रब राक्षस को, वो भी हमारे प्रेतलोक में घुसकर। हे मूर्ख राजा, इस बार मैं तुम सब लोगों को जीवित छोड़ रहा हूँ, किंतु वो तुच्छ बालक मुझे अगर पुनः दिखा या हमारे मार्ग में कोई भी बाधा डाली तो याद रखना, ना ही तुम्हारे कुल में तुम्हारे पितरों को कोई तर्पण या अर्पण करने वाला बचेगा, ना ही कोई तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला बचेगा। ये हमारी घोषणा है और हमारी अंतिम चेतावनी भी। एक रात में ये सब क्या हो गया? पूरा राज्य विनष्ट हुआ पड़ा है। किसने किया ये सब? मुझे अतिशीघ्र राजा के दरबार में पहुंचना होगा। वहीं रुक जाओ हनुमान। राजा सत्यव्रत, किसने किया ये सब? कैसे हुआ? इस संपूर्ण विनाश का कारण तुम हो हनुमान। मैं विनाश का मूल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज सत्य कह रहे हैं। वो ब्रह्म राक्षस आपके कारण ही यहाँ आया तथा संपूर्ण राज्य में विनाश करके चला गया। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? मैं तो यहाँ आप सबकी समस्या का निवारण करने आया था, वो भी आप लोगों के पितरों के कहने पर, कि वर्षों से उनका भोजन जो प्रेत ले जा रहे हैं वो ना ले जा सके तथा उनके हेतु किया हुआ तर्पण एवं अर्पण उन्हें मिल सके, वो भी तृप्त हो, संतुष्ट हो। हनुमान, हमारा जीवन होगा तभी तो हम अपने पुरखों को भोजन अर्पण कर सकेंगे, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमें हमारी स्थिति पर छोड़ दीजिए। यह हमारी समस्या है, इसका निदान हम स्वयं करेंगे, आप हमें कृपया छोड़ दीजिए। हम क्षमा चाहते हैं हनुमान, मेरी प्रजा का जीवन हमारे पुरखों के भोजन से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। Thank you.
प्रभे विकट दृष्टि पर पक्ष मोह मोह बच बच दह दह हन हन मारय मारय स्वाहा। ऐ मां महिंसी तुम उद्यत्या योगिनी जय कृष्ण वारय वारय छिंदी छिंदी बिंधी बिंधी करालिनी ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम क्रीम 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 स्फूर स्फूर पूर पूर पूर्ण पूर्ण जूल्व जूल्व धक धक धम धम मारय मारय सर्व जगत वच मानय। ओम क्रीम 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 स्फूर स्फूर पूर पूर पूर्ण पूर्ण जूल्व जूल्व धक धक धम धम मारय मारय सर्व जगत वच मानय। ओम नमः स्वाहा। ब्रह्म राक्षस तुझे बहुत अभिमान है ना कि तेरे पास सहस्त्र प्रेतों और पिशाचों की शक्तियाँ हैं तथा तुझे कोई बांध नहीं सकता। तो देख मैंने तुझे और तेरे प्रेतों को अपनी तंत्र शक्ति से बांध दिया। तुम अब इस तंत्र शक्ति को भेद नहीं सकते। अब तुम सब के सब इसी गुफा में बंदी रहोगे। तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं होगी। कदापि नहीं। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो हनुमान। परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुक्त कर दो हमें। ये अति है। मुक्त कर दो हमें। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। वाह प्रभु, आज आपने अपने तंत्र ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण संसार को प्रेत मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है। प्रभु, ये प्रेत संपूर्ण सृष्टि को प्रताड़ित करते थे, सभी को यातनाएं देते थे, किसी के वश में नहीं आते थे प्रभु। किंतु आज आपने अपने मंत्र ज्ञान से इन पर अंकुश लगा दिया है। प्रभु, आज से आपका ये मंत्र ज्ञान हनुमत तंत्र के नाम से संपूर्ण संसार में विख्यात एवं प्रचलित होगा। देवर्षि, किसी भी परिस्थिति में किसी की प्रशंसा करने की आपकी कला वास्तव में प्रशंसनीय है। ये गुण तो कोई आपसे सीखे। नारायण नारायण। प्रभु, मैंने तो सत्य ही वर्णन किया है, इसमें अतिशोक्ति क्या है। प्रभु, आपके इस तंत्र ज्ञान से संपूर्ण संसार का उद्धार होगा। हाँ प्रभु, अब एक साधारण मनुष्य भी हनुमत तंत्र के माध्यम से प्रेतों को पराजित कर सकेगा। नारायण नारायण। अत्यंत ही लाभकारी मार्ग दिखाया है प्रभु आपने ये हनुमत तंत्र देकर। परंतु देवर्षि, प्रेतों को तंत्र शक्ति में बांधने के पश्चात भी मेरी समस्या का समाधान पूर्ण नहीं हुआ। प्रभु, अब क्या समस्या है? देवर्षि, पितरों को उनके वंशजों द्वारा अर्पित किया गया भोजन उन तक तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक कोई माध्यम नहीं होगा उस अर्पित भोजन को पितृलोक ले जाने वाला। प्रभु, आपकी समस्या का समाधान तो ब्रह्मदेव के पास है। ब्रह्मदेव? हाँ प्रभु। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ और वो कौन सी समस्या है जो आपको यहाँ ब्रह्मलोक में ले आई? हे परमपिता ब्रह्मदेव, समस्या ये है कि
आपने इस संसार में एक विधान की स्थापना की, पितृ पूजा की, जिसका उद्देश्य है मनुष्य के पितरों को भोजन की प्राप्ति हो तथा उनकी तृप्ति होती रहे। सर्वथा ही सत्य कहा आपने पवन पुत्र। इस सृष्टि की रचना करने से पूर्व मैंने 7 पितरों की संरचना की थी, जिसमें 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वरूप में विद्यमान थे। मैंने उनके निवास के लिए पितृ लोक का निर्माण किया था, जिससे मृत्यु परांत संसार के समस्त पितृ वहां निर्विघ्न रूप से निवास कर सके। परंतु समस्या क्या आ गई? समस्या ये है परमपिता, पृथ्वी लोक से मनुष्यों द्वारा अपने पितरों को अर्पित भोजन पितृ लोक तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कारण है नहीं पहुंचने का? वो कारण ये है कि पृथ्वी लोक से पितरों का भोजन पितृ लोक तक किस प्रकार जाए, कोई माध्यम तो होना चाहिए जाने का। हाँ परमपिता, माध्यम ना होना अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। समस्त पितृदेव चिंतित एवं निराश हैं। परमपिता, इस समस्या का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं, कारण आप ही सृष्टि के सृजक हैं, जन्मदाता हैं। हे पवन पुत्र, आप चिंता मत कीजिए। इस समस्या के निदान हेतु मैं अपनी मानस कन्या को जन्म दूंगा, जो पितृ देवों का भोजन पहुंचाएगी पृथ्वी लोक से पितृ लोक तक। परमपिता ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे देवी, आप मेरी मानस पुत्री हैं, सदा विशुद्ध रहने वाली, कल्याणकारिणी, वरदायिनी, अतएव इन सारे गुणों के कारण आप समस्त संसार में स्वधा देवी के नाम से विख्यात होंगी। अहो भाग्य मेरा परमपिता, कृपया अब मेरे जन्म का कारण और जीवन का उद्देश्य मुझे बताएं। देवी, माध्यम के अभाव में पृथ्वी लोक से पितृ देवों को अपने वंशजों द्वारा अर्पित भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, अतएव मैंने आपकी रचना इस उद्देश्य से की है कि आप पृथ्वी लोक से पितृ लोक में पितरों तक उनको अर्पित भोजन पहुँचाने का माध्यम बने। मैं तत्पर हूँ परमपिता। किंतु हे देवी, सर्वप्रथम आपको पितरों के प्रमुख सोमपा से विवाह करना होगा। जो कार्य मैंने आपको सौंपा है उसके हेतु आपका और पितरों का आत्मिक संबंध होना अति अनिवार्य है, एवं विवाह ही उसका एकमात्र माध्यम है जो आपके और पितरों के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। जो आज्ञा परमपिता। हे पवन पुत्र हनुमान, अब आगे का कार्य मैं आपको सौंपता हूं। पवन पुत्र हनुमान पधारे, आइए, पितृलोक में आपका स्वागत है। हम हृदय से कृतज्ञ हैं आपके कि आपने हमारी तृप्ति हेतु इतना कुछ किया।
परंतु हमारे ही दुर्भाग्य है कि हमारी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। इसके पश्चात भी कि आपने समस्त प्रेतों एवं पिशाचों को तंत्र शक्ति से बांधकर बंदी बना दिया। पितृदेव सोमपा, मैं ब्रह्मदेव के यहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। उन्होंने आपकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। क्या ब्रह्मदेव ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया? धन्य है परमपिता, आप धन्य हैं। परंतु ये सब संभव कैसे हुआ? संपूर्णता हेतु आपको देवी स्वधा को पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। हे पितरों के अग्रज पितृ सोमपा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देवी स्वधा से विवाह हेतु अपनी स्वीकृति दीजिए। कृपया हाँ कह दीजिए। हम सब धन्य हो गए हनुमान, आपने हमारे सुख हेतु बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे ये विवाह स्वीकार है। हे पितरों, अब विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए, इसके हेतु उद्यम कीजिए। ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है पितर सोमापा, पधारिए। आइए। अब कन्या को बुलाइए। Thank you.
हे यजमानों, ये पिंडदान की सामग्री अपने हृदय में अपने पितरों का स्मरण करके नदी के जल में प्रवाहित करें। न जाने हमारा लाल सूर्यलोक में कैसा होगा। इसके पूर्व जब मारुति गुरुकुल में था तो उसे वहां बहुत कष्ट सहना पड़ता था। उस गुरुकुल पर जो संकट के बादल आए उससे तो इस मां का मन अभी तक भयभीत है।